हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदित्य। इस वीडियो में हम लोग गुजरात पीपावाव पोर्ट शेयर का प्राइस एनालिसिस करेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गुजरात पीपावाव पोर्ट शेयर ने 7.59% उछाल करके 100 रुपीज 65 पैसे में क्लोज किया था। इंट्राडे में और ज्यादा उछाल में था, 109 रुपीज 40 पैसा टच करके नीचे आकर के क्लोज हुआ। ये जो 109 रुपीज 40 पैसा जो है 52 वीक का हाई प्राइस है। इतना ही नहीं, उस दिन का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम जो है 8 गुना ज्यादा था नॉर्मल वॉल्यूम से। ये तो बहुत अच्छा बुलिशनेस दिखाता है। हम फंडामेंटल चेक किया था, फंडामेंटल्स हमको बहुत अच्छा लग रहा था। ये बहुत और अप ट्रेंड होने का पूरा उम्मीद दिखता है। अब हम लोग जो है चार्ट पे चलते हैं, उस पे अप मूव कैसे होगा उसको हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। गुजरात पीपावाव शेयर का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इंडिकेटर से शुरू करता है आरएसआई। आरएसआई नीचे से अच्छा से अप ट्रेंड के साथ है, 66% है, बहुत अच्छा बुलिश है। और एमएसीडी भी बहुत अच्छा है। आप देख लीजिएगा, हरा हिस्टोग्राम बनना शुरू हो गया, बुलिश क्रॉस ओवर हो चुका है, ये भी बुलिशनेस है। और EMA 20, 50, 100, 200 सब नीचे है, प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है। ये इंडिकेटर के हिसाब से ऑल द 3 इंडिकेटर्स आर वेरी पॉजिटिव। चार्ट को देखिएगा, चार्ट ये बेसिकली ब्यूटीफुल चार्ट है। ये आप एक राउंडिंग बॉटम का रूप में आप ले सकते हैं, या ये कपन होल्डर का एक्शन भी आप ले सकते हैं। ये जो है अभी ब्रेकआउट हो गया या होने वाला है, शेडो दिख रहा है इस टाइप का जो है। हर एंगल से आप जो इसका जो लेंथ है, ये उस लेंथ आपको आराम से होगा। 125 रुपया का टारगेट आप लोग मान के चल सकते हैं। अभी 100 रुपया चल रहा है, 25% जो है अभी भी बढ़ने का उम्मीद है। ये जो कोई भी राउंडिंग बॉटम आप देख लीजिएगा, ये तो बहुत अच्छा बुलिशनेस का दिखाता है। आज का जो अपमूव है 7.59% अप अलॉन्ग विथ 8 times वॉल्यूम जो है बहुत फंटास्टिक अपमूव को दिखाता है। वॉल्यूम भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इस पर ज़्यादा, हम तो बहुत ज़्यादा बुलिश हों। फंडामेंटली गुजरात पीपावाव पोर्ट स्टॉक जो है बहुत अच्छा हमको दिख रहा था। FIAs का होल्डिंग, DIAs का होल्डिंग भी लगभग 40% से ज़्यादा है। ये हमको और ज़्यादा कन्विक्शन दिखता है, सितंबर क्वार्टर का बता रहा है। और मोर और लेस अभी रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बोरोइंग कम करते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ है। ये आप देख लीजिएगा नेक्स्ट, ये शेडो जो है आज का करेक्शन 9 रुपया का 40 रुपये करेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट टारगेट 109 रुपया 25 पैसा है, बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। और 117 और 125 जो है नेक्स्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से है। सपोर्ट के हिसाब से देखें तो 100 रुपया में आज क्लोज हुआ है। इसका सपोर्ट है 93.80, एक अच्छा सपोर्ट है। और नीचे आएंगे तो 88 रुपीज़ या 89 रुपीज़ आप समझ लीजिए, इसके बाद 81 या 70 पैसे, ये सब अच्छा देखिएगा। सब रेसिस्टेंट जो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अच्छा सपोर्ट का काम करता है। यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, अब ये बहुत अच्छा है। हम तो इस चार्ट देखने से हमको लग रहा है 125 रुपया बहुत जल्दी आ सकता है, प्रॉबेबली 3 महीने के अंदर आने का उम्मीद है। 25% का जो है उछाल देखने के लिए मिल सकता है। बाकी जो भी टारगेट है हमको बहुत नज़दीक में, प्रॉबेबली क्वार्टरली रिजल्ट के आसपास, जनवरी लास्ट में या फरवरी में अचीव होने का हम लोग इसको उम्मीद कर सकते हैं। इस वीडियो का गुजरात पीपावाव पोर्ट शेयर का प्राइस एनालिसिस ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन गुजरात पीपावाव पोर्ट शेयर। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।